भेड़िया इंसान। विनोद एक पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन बेरोजगारी की मार से परेशान था। काफी मशक्कत करने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से वो प्रतीक नाम की अमीर लड़की को उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन, सर आज मेरा जन्मदिन है और मैंने आज शाम हमारे फार्म हाउस पर एक बहुत बढ़िया पार्टी रखी है। सर आप प्लीज आइएगा, मैं आपको अपने फार्म हाउस की लोकेशन सेंड कर देता हूँ, ठीक है? किसी पार्टी में गए विनोद को अरसा बीत चुका था, इसलिए वो भी पार्टी के नाम से खुश हो जाता है। फिर ठीक 2 बजे ट्यूशन खत्म कर विनोद अपने घर की ओर चला जाता है। आज बड़े दिनों के बाद बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। घर जाने के बाद विनोद अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे 6 बज गए, मुझे तो प्रतीक की बर्थडे पार्टी में जाना है। अभी निकलूंगा तो समय पर पहुंच जाऊंगा वरना देर हो जाएगी। विनोद तैयार होकर घर से निकलता है और एक रिक्शे को रोककर उसे एड्रेस बताता है। हाँ ठीक है साहब, चल लेंगे। हाँ पर पूरे 200 रुपए लूंगा। अरे बाप रे 200 रुपए, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें सिर्फ 50 दे सकता हूँ। मजाक कर रहे हो क्या साहब? अरे इतनी दूर जाना है और सिर्फ 50 रुपए? चलिए ठीक है 100 दे देना बस। विनोद चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, उसे दूर दूर तक कोई दूसरा रिक्शा दिखाई नहीं देता। अगर ये रिक्शा छूट गई तो क्या पता चलती कोई रिक्शा मिलेगी या नहीं। एक काम करता हूँ, इसी में चला जाता हूँ। विनोद रिक्शा में बैठ जाता है। ठंडी का मौसम था, जल्दबाजी में विनोद अपना जैकेट लाना भूल गया था। वो अपने हाथों को सिकुड़ कर बैठा था, तभी रिक्शा वाला एक बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ, तुमने अचानक रिक्शा क्यों रोक दी? अरे साहब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम मुझे मेरे बताए हुए पते पर पहुंचा दोगे, अब क्या परेशानी हो गई? अब वो साहब लोगों का कहना है कि सामने वाले जंगल में कुछ बुरी शक्तियां रहती है और वहां इंसानों को अपना शिकार बनाती है। 2 महीने पहले इसी पेड़ पर एक जवान लड़की की लाश लटकी हुई मिली थी, उसके शरीर के कई हिस्से गायब थे। मेरी तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है और अब तो अंधेरा भी होने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अरे भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम बीच सड़क पर मुझे छोड़कर चले जाओगे तो फिर मैं भला आगे कैसे जाऊंगा? देखो भाई अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो साफ साफ बोल दो, बेकार के बहाने मत बनाओ। अरे नहीं भाई साहब, नहीं मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे इससे आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। चाहो तो 100 रुपए भी आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे, पर मुझे बख्श दो, मैं इससे आगे नहीं जा सकता मैं। इस तरह विनोद को बीच रास्ते में छोड़कर रिक्शा वाला वहां से वापस लौट जाता है। इन रिक्शा वालों पर तो भरोसा करना ही बेकार है। खैर कोई बात नहीं, मैं पैदल ही आगे चला जाऊंगा, देखता हूँ शायद कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए। विनोद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। जंगल से तरह तरह की डरावनी आवाजें भी आ रही थी। उन आवाजों को सुन विनोद के दिमाग में रिक्शा वाले की कही गई बात घूमने लगती है। यहाँ पर तो चारों तरफ भयानक आवाज सुनाई दे रही है, कहीं उस रिक्शा वाले की बात सच तो नहीं? कमबख्त यहाँ रास्ते में कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा जिससे मैं लिफ्ट लेकर आगे जा सकूं। इस तरह अपने आप से बात करता हुआ विनोद तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे विनोद अपना संतुलन खोकर बगल में मौजूद ढलान की ओर जा गिरता है। वो झाड़ियों में लुढ़कता हुआ एक कटीले पेड़ के पास जा पहुंचता है। विनोद अपने आप को किसी तरह संभालते हुए उठ खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े एक डरावनी भेड़िये पर पड़ती है। उस भेड़िये की सुर्ख डरावनी लाल आंखें देखकर विनोद के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं।
भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? भेड़िया धीरे धीरे अपने कदम विनोद की ओर बढ़ाने लगता है। ये देखकर विनोद की सांस अटक जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां से भागता है। जिसे भागता देख भेड़िया भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद भागता हुआ विनोद अचानक एक गड्ढे में जा गिरता है। अब भेड़िया जैसे ही विनोद पर हमला करने के लिए उस पर लपकता है तो विनोद तुरंत बगल में पड़े पत्थर को उठाकर भेड़िये के सर पर मार देता है और भेड़िया वहां से भाग जाता है। खून से लथपथ विनोद किसी तरह चलने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ा आगे चलकर ही बेहोश होकर गिर जाता है। सर, सर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शुक्र है कि मेरे फार्म हाउस के चौकीदार की नजर आप पर पड़ गई, वरना जंगल का कोई जंगली जानवर आपको मार कर खा जाता। खैर, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ सर। इतना कहकर प्रतीक वहां से चला गया। दूसरी तरफ होश में आने के बाद विनोद के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर वो दवाई लेकर सो जाता है। अचानक आधी रात को विनोद को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और वो अपने शरीर में कुछ अजीबोगरीब बदलाव महसूस करता है। ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? सांस लेने में भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नर्स, नर्स, अरे कोई है क्या? तभी एक नर्स तेजी से भागकर विनोद के पास आती है। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए, देखिए, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मेरा शरीर देखिए कितना तप रहा है, देखिए। नर्स विनोद के शरीर को छू कर देखती है। चिंता की कोई बात नहीं, ये दवाई खा लो, इसके बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। नर्स ग्लास में पानी और कुछ दवाइयां विनोद को दे देती है, लेकिन वो पानी पीते ही विनोद अजीब मुंह बना लेता है और गुस्से में नर्स की ओर देखने लगता है। विनोद की आंखों का रंग बदलने लगता है। अरे ये क्या? अब विनोद के नाखून लंबे होने लगते हैं, बाल बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में विनोद एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है। वो नर्स का गला पकड़ लेता है। मुझे ये बकवास पानी नहीं चाहिए, मुझे खून पीना है, तेरा गर्म खून। बचाओ, कोई बचाओ मुझे! नर्स अपने आप को विनोद से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन विनोद नर्स के गले में अपने नुकीले दांत घुसाकर उसका खून पीना शुरू कर देता है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो मेरी! नर्स की चीखें सुनकर अस्पताल के कुछ लोग भागते हुए वहां आते हैं, जिन्हें देख विनोद नर्स को वहीं छोड़ खिड़की का कांच तोड़कर बाहर भाग जाता है। विनोद को एक भेड़िए के रूप में देखकर अस्पताल के सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या अभी यहाँ सच में एक इंसानी भेड़िया था? अरे अरे, कोई नर्स को उठाओ, अरे इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो, फिर कुछ सोचते हैं, चलो जल्दी। दूसरी तरफ भेड़िया बना विनोद अंधेरी रात में शहर की सुनसान सड़कों पर यहाँ वहाँ भटकने लगता है। काफी देर भटकने के बाद वो एक कचरे के ढेर के पास पहुँचता है जहाँ उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वाह, कुछ तो मिला। विनोद लपक कर उस बिल्ली को पकड़कर खाने लगता है। बिल्ली को खाने के बाद विनोद उसी कचरे के ढेर के पास लेटकर टकटकी लगाए आसमान की ओर देखने लगता है और वहीं सो जाता है।